दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मिले मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे पास है Hyundai की ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं कार कितनी क्यूट लगती है। तो अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी क्यूट सा लुक आ रहा है कार का। अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये हेलोजन लाइट्स हैं, इसलिए कोई मतलब आपको प्रोजेक्टर सेटअप लाइट्स नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्मॉल इंडिकेटर है लाइट के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स वगैरह हैं। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाएगी, यहाँ पे आपको Hyundai बैजिंग के पास, यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा Hyundai की बैजिंग के ऊपर। अगर हम बात करते हैं कार के ग्रिल की, तो दोस्तों कार के ग्रिल काफ़ी अच्छी दिखती है और पहले दोस्तों उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शूट करती है। अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्या शानदार कार लग रही है। इस कार के अंदर आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, मॉडल नहीं है इसलिए इस कार के अंदर एलॉय व्हील नहीं है। अगर ये टॉप होता तो इस कार के अंदर डेफिनेटली एलॉयज होते। जो टायर का जो है ये 165:65 टायर्स हैं इस कार के अंदर। और अगर हम बात करते हैं, देखो कितने प्यारे लग रही है ये कार का प्रोफाइल, कितना प्यारा लग रहा है। देखते हैं ये है कार का लेफ्ट प्रोफाइल। अगर हम चलते हैं कार के पीछे की तरफ, तो आप जब पीछे की तरफ चलेंगे दोस्तों तो इन्हें देखेंगे आपको यहाँ पे ग्रैंड आई10 की बैजिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको CRDI लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स और Hyundai की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ये दोस्तों ये जो नीचे वाली जो आपको ये जो रेड रेड जो ये लाइट्स दिख रही हैं, ये डमी लाइट्स हैं, इनके अंदर कोई ब्रेकिंग वगैरह नहीं है। अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं इनके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो ब्रेकिंग नहीं है और ब्रेक लाइट्स वगैरह इसके अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये ब्रेक लाइट्स हैं, ब्रेक लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स वगैरह हैं इसके अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे एक एंटीना भी मिलेगा और यहाँ पे आपको एक ब्रेक लाइट भी मिलेगी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी लग रही है। अब हम चलते हैं कार के राइट साइड की तरफ, तो आप राइट साइड में दोस्तों देख सकते हैं कार कितनी अच्छी दिखती है राइट साइड की तरफ से। और जो इसके जो हैंडल्स हैं, जो डोर हैंडल्स हैं, वो आपको दोस्तों क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलेंगे। और दोस्तों क्योंकि ये पुश स्टार्ट बटन वाली कार है और इसके अंदर कीलेस एंट्री है, तो यहाँ पर आपको ये जो है रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा कार के गेट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिखती है। अब हम बात करेंगे इस कार के इंजन की। ये है इस कार का इंजन दोस्तों, ये 1.1 लीटर का सेकेंड जन इंजन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों ये 70 bhp प्रोड्यूस करता है और 160 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आउटपुट देता है। दोस्तों ये 1180 cc के समथिंग का इंजन है ये। और आप देख सकते हैं कार की इंजन भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इसके अंदर और थोड़ा बड़ा इंजन मेरे हिसाब से हो सकता था। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको इंसुलेशन वगैरह मिलेगी और जिससे आपको कार के इंजन की साउंड बाहर ना आए। है दोस्तों इस कार का इंजन। अगर हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो ये है दोस्तों 256 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे क्या है, तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील टायर मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे आपको जैक वगैरह मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये एलॉय तो है ही नहीं, क्योंकि एलॉय तो चारों टायर नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं कि ये भी कंपनी आपको एलॉय दे। तो ये था इसका बूट। अब हम चलते हैं कार के इंटीरियर के तरफ। अब हम बात करने वाले दोस्तों इसके इंटीरियर की, तो अब हम चलते हैं इसकी सबसे पहले रियर सीट के अंदर। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा। डोर काफ़ी ज़्यादा हैवी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं पावर विंडोज़ हैं और यहाँ पे आपको सिक्के वगैरह अगर आप रखना चाहो, कॉइन्स वगैरह, तो आपको वहाँ की उसकी स्पेस है। यहाँ पे आप नीचे दोस्तों 1 लीटर बॉटल इजिली फिट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं डोर काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, कोई ज़्यादा इतना इसमें आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा इतना नहीं है कि हाँ भाई कोई फीचर्स वगैरह कोई ज़्यादा ज़्यादा भर रखा हो। यहाँ पे नीचे आपको दोस्तों स्पीकर है। और ये है दोस्तों कार का इंटीरियर। आप देख सकते हैं इसके जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे दोस्तों बीच में सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं है आपके लिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स टाइप है यहाँ पे। और ये जो दोस्तों सीट है ये एकदम पीछे मैंने पुश कर रखी है। अगर कोई ज़्यादा लंबा आदमी, जैसे 6 फीट का इंसान अगर यहाँ बैठ जाएगा, तो उसको हो सकता है यहाँ बैठ ही ना पाए, उसको दिक्कत होगी यहाँ पे उसकी, क्योंकि उसके जो घुटने वगैरह वो यहाँ टच करेंगे। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सीट्स का। और हम चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। आप उनको दोस्तों बंद या बंद कर सकते हैं और यहाँ से आप उनको ऑन कर सकते हैं। ये है दोस्तों इसका रियर सीट्स। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत सामान वामान रखने की जगह है यहाँ पे। वैसे ही इंडियन कार, हमारे इंडिया के अंदर तो पीछे डॉल्स वगैरह या फिर तकिए वगैरह रखे जाते हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं उनको। अभी दोस्तों मैं एक बार आपको पूरी कार का शो कर देता हूँ, अंदर का इंटीरियर कितना प्यारा लगता है। तो आप देख सकते हैं इंटीरियर कितना अच्छा इंटीरियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर है, वो कितना शानदार दिख रहा है आप देख सकते हैं। चलते हैं कार के फ्रंट सीट में। हम बात करते हैं कार के फ्रंट सीट की तरफ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर की फिनिशिंग तो कितनी वेल अच्छी आती है, वो आप देख सकते हैं Hyundai की कार के अंदर। लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बटन है और यहाँ पे आप पावर विंडोज के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आप उनसे मिरर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये ग्लास अनलॉक लॉक के लिए है। और अगर हम अंदर की तरफ देखते हैं, तो ये देख सकते हैं कार कितनी अच्छी लग रही है अंदर से। यहाँ पे आपको दोस्तों ये हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे बड़े क्लासिक से, और यहाँ पे ये पुश स्टार्ट बटन है कार का।
और अब हम चलते हैं कार के अंदर की तरफ। अभी हम आ गए हैं कार के अंदर की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, एसी वेंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लगते हैं इंटीरियर के साथ। आप देख सकते हैं कार का इंटीरियर कितना अच्छा है। अगर हम देखें यहाँ पे बेसिक एसी कंट्रोल्स है कार के, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और यहाँ पे नीचे ऑक्स और यहाँ पे नीचे आपको यूएसबी का ऑप्शन मिलेगा। मैंने अभी इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की पर ये शायद इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है। यहाँ पे आप दोस्तों इसके अंदर डिस्क वगैरह भी लगा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इसके अंदर ब्लूटूथ है या नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की पर मेरे को ब्लूटूथ नहीं मिला इसके अंदर, तो सॉरी बट मैं इसको प्ले नहीं कर पाऊंगा। और अगर हम बात करते हैं इसके नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गियर लीवर है ये काफी अच्छी जगह पे पोजीशन किया हुआ है। आपको यहाँ पे जैसे नॉर्मल कार्स के अंदर इस जगह पे होता है और ये यहाँ पे है, तो आपको इजी वे रहेगा। लेकिन अगर कोई नया बंदा है जो उसको यहाँ पे इधर के जो गियर होते हैं उसकी आदत पड़ रखी है, ये थोड़ा अपराइट की तरफ पोजीशन है, तो उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी तो कोई दिक्कत ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं। यहाँ पे नीचे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, नीचे यहाँ पे हैंड ब्रेक्स हैं, यहाँ पे आप कुछ रखना चाहे सिक्के वगैरह तो वो रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कार के ग्लव बॉक्स की, बॉक्स दोस्तों वो काफी ज्यादा अच्छी साइज का है, आप देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको कूलिंग का फंक्शन भी मिलता है, आप यहाँ से अंदर इसको ठंडा कर सकते हैं। अगर आप अंदर कुछ रखना चाहे पानी की बोतल वगैरह, तो वो आपको कूलिंग भी होगी, वो पानी की बोतल ठंडी भी रहेगी आपकी। और अगर हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्पीडोमीटर मिलेगा और यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कार टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ पे आपको फ्यूल शो करेगा और नॉर्मल से आपको एमआईटी है ये नॉर्मल सी मिलेगी। इसके अंदर आपको ज्यादा फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस टू एमटी, कितना लीटर पेट्रोल है कार के अंदर वगैरह वगैरह दिखा देगा वो आपको, और कितनी एवरेज वगैरह दे रही है कार, कितना है वो नॉर्मल सा छोटा सा दिखा देता है, थोड़ा बहुत दिखाता है ये। अगर हम बात करते हैं कार के वाइपर्स की, तो कार का जो वाइपर है दोस्तों वो काफी ज्यादा अच्छा है और आप देख सकते हैं काफी अच्छे से स्प्रे करता है पानी और अच्छे से क्लीन कर देता है विंडस्क्रीन को। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो सन रे प्रोटेक्टर्स होते हैं उनकी, तो यहाँ पे आपको दोस्तों टोल रिसिप्ट वगैरह रखने की जगह मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टोल रिसिप्ट वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो दूसरा वाला है उसके अंदर यहाँ पे आपको दोस्तों ग्लास मिल जाएगा अगर आप फेस वगैरह कुछ सही करना चाहते हैं देख के। और दोस्तों जो इसका ये जो मिरर है ये आप ऑटो डिमिंग नहीं है, ये ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, ये नॉर्मल सा मिरर है। और अगर हम बात करते हैं इधर नीचे स्पेस वगैरह, तो थोड़ी बहुत स्पेस तो यहाँ पे भी है और आपको डोर पॉकेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह शो हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तो था मेरा कार का रिव्यू Hyundai i10 Grand का। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये थोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, बहुत शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।